हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं यूट्यूब चैनल जूली की जान पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज खरना है, उसका वीडियो से लेके छठ पूजा का डिटेल में मैं बताऊंगी, उस जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये खरना हो रहा है जिसमें हम लोग खीर और केले चढ़ाते हैं, तो चार जनों का एक जगह होता है, मतलब मेरी दादी माँ करती है, तो उन वही खरना कर रही थी, तो हम लोग गए थे प्रणाम करने और दिखाई थी वो। अब डाली सजाया जा रहा है, मतलब उस डाली में जितने भी फल आपके पास हो लाया गया हो, और सबसे इम्पोर्टेंट नारियल और टाब होते हैं और केले। बहुत अच्छे तरीके से सबको सजाया जाता है, और उस पे नारियल, पान सुपारी, हर किसी पे पान, और एक नारियल मेरे यहाँ अलग से उठाया जाता है, गच्छा हुआ था माँ का, वो उसी पे मैं पान सुपारी रखने की कोशिश करूँ, क्योंकि उस टाइम में पान और सुपारी गायब हो जाता है, किसी बर्तन में चला जाता तो नहीं मिलता, इसीलिए मम्मी ने बोला था माँ उसमें अच्छे से लपेट दे जो पता चले। और ये नारियल भी हम लोग को अलग से हाथ उठाया जाता है पूरा घर एक बार में। और मम्मी तब तक ठकुआ बना रही थी, ये आप लोग क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे, मगर हम लोग के यहाँ ठकुआ बोलते हैं, मैदे से बनते हैं, तो उसको मम्मी मतलब छान ली थी, थोड़ा सा बचा हुआ था। अब वो फल तो लग गए थे, हम फल डाली में डाल देते, अब ठकुआ और पुरुकिया पूरी ये सब डालते, कचौड़ी जिसको नॉन पूरी वो डालूंगी, उसके बाद तैयार हो जाएगा। देख लीजिए इस तरह से पहले गोल गोल गुलिये बना लेते हैं, और उसके बाद उसको दबा के छानते हैं इस तरीके से, एकदम लड्डू के शेप में, या आप जिस शेप में बनाना चाहें उस शेप में आप बना सकती हैं। अगर इसका रेसिपी जानना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ठकुआ कैसे बनता है मैं ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों से, बहुत ही अमेजिंग बनता है, बहुत टेस्टी भी लगता है, बहुत मज़ेदार होता है। मतलब ये मम्मी ने रेडी कर लिया था 12 बजे तक में, मतलब पूरा बना के 1 बजे तक में, क्योंकि 2 बजे हम लोग छठ घाट पे निकल चुके होते हैं, बहुत सब जल्दी ही निकल जाते हैं, बहुत लोग लेते हैं, तो मेरा जो है ना बहुत पास पड़ता है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी मम्मी कर रही थी, जल्दी हो जाए तो रेडी भी हो पाएंगे। और इस तरह से देखिए तेल में धीमी आंच पे एकदम कुरकुरी होने देना, और मैं रेडी हो गई थी वहाँ से आने के बाद, मैं रेडी हुई उसके बाद, देखिए मेरा शाम के टाइम का फाइनल लुक है ये, देख लीजिए आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ये मेरा बेटा भी रेडी होके जा रहा था, और बहुत पास पड़ता है हम लोग को, मतलब 2 मिनट भी नहीं लगता है, वो इतना पास है, सभी लोग जा रहे थे। ये जो होता है नुडन पर नाम बोलते हैं हम लोग, जो जिसने गच्छा रहता है, जो मतलब बोलता है ये चीज़ हो जाए भगवान जी तो छठी मैया तो करेंगे, तो उसी के तौर पे मतलब जेंट्स हो लेडीज़ हो सभी करते हैं। ये लेडीज़ भी नुडन पर नाम दे रही थी, और बहुत ये हम लोग का घाट आ गया है जिस पे हम लोग पूरी मतलब चौधरी फैमिली करती है छठ पूजा, इधर दूसरे उसमें लोग पूजा करते हैं, पूरा जितना भी आप लोग को दिख रहा है सारे चौधरी फैमिली ही है ये। हम पहले आके डाली लगा के और दीप जला के चले गए थे, भाई लोग अगरबत्ती उसको देख रेख करा था, क्योंकि उतना जल्दी तैयार भी नहीं, ऊपर से आए तो सभी लोग जा रहे थे, तो पापा ने बोला जी चलो तुम लोग चले जाओ लेट हो जाएगा, तो गए और दीप जला के आ गए, फिर रेडी होके फाइनली गए, क्योंकि शाम देना मैं फास्टिंग रहती हूँ, सिर्फ एक दिन का रहता है जो दीप जलाने सह के सांस दे रही थी, तो इसलिए मैं पानी में भी गई, मतलब मुझे लगा थोड़ा सा कम पानी है इसलिए गई, मगर पता चला पूरा मतलब धस गई थी, और बहुत भींग भी गई थी, क्योंकि जाते ही मैं तैयार व्यार होके जाते ही दीप जलाने चली गई पानी में रख के, तो इसी वजह से मेरा कपड़ा भी पूरा गीला हो गया, फिर भी कोई नहीं छठी मैया के लिए सब अच्छा। तो उसके बाद मैं ये दिखा रही हूँ आप लोग को फाइनली जो कि सब तरफ कितना, देखिए सब तरफ बैलून वैलून केले के पत्ते से डेकोरेट किया गया है, कितना अच्छा लग रहा है,
यहाँ पे सभी लोग फास्ट मतलब नौचे मतलब सह के सांस देते हैं। औरतें जितनी भी होती एक एक करके अपना जाती है, दीप जलाती है और रेडी होके सब आती है। जिसकी मर्जी हो वो करते हैं। वहाँ पास में ही ये मंदिर है, मतलब दिख ही रहा है पीछे लोग सब, वही बगल में पोखर के पास मंदिर है। वहाँ पे सभी औरतें उधर से लौटते वक्त दीप जला के घर जाती है। ये हम लोग घर जा रहे थे तो दीप जला के, बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत अच्छा भी लग रहा था। इस टाइम में मतलब छठ पूजा फेवरेट होता है सभी के लिए, एक मेरे लिए नहीं सभी के लिए फेवरेट पूजा होता है। छठ, दीपावली हो, दुर्गा पूजा, ये तीनों सबकी फेवरेट पूजा होते हैं। तो बहुत मज़ा आया। यहाँ पे हम लोग पेड़ के पास और वहाँ पे दीप जला के चले जा रहे थे। ये डाली वाली वहीं पे रखा रहता है क्योंकि भाई लोग पूरी रात जगते हैं, पूरी रात वहीं पे रहते हैं सभी। ये हम सुबह के टाइम का, अभी सिर्फ उठी हूँ, ब्रश भी मतलब नहीं कर रही थी, ब्रश हाथ में भी है, 2 बज रहे थे रात के उस टाइम उठी थी। 10 बजे सोते सोते 10 बज गया और 2 बजे उठना पड़ रहा था क्योंकि 3, 3:30, 4 के अंदर निकलना है यहाँ घर से। 5 बजे अर्घ देने का टाइम हो जाता है। देखिए मैं जा रही हूँ, अभी यही पास में ही है, देख लीजिए छत से, मेरे छत से दिखता है, इतना पास है। और देख लीजिए व्यू, दीप जो पूरा अंधेरा था, लाइट और दीप की रोशनी इतनी चमक रही थी। 4 बज गया था पहुँचते पहुँचते हम लोग को, 2 बजे उठी, 2 घंटे नहाने धोने का रेडी होने में लग गया। और जनरली ये मेरी मम्मी और बहन थी, बहन ही है सब, मतलब सभी फैमिली मेंबर, सभी फैमिली मेंबर यहाँ पे रहते हैं। अब सूरज निकल गया है, देख लीजिए, मतलब वहाँ पेड़ के पीछे एकदम लाली लाली रेड दिख रहा है, वही सूरज निकल गया। अब आराम से सभी हाथ मतलब हाथ उठाएंगे और एक एक बर्तन, प्रॉपर एक एक बर्तन उठाया जाता है। देख लीजिए फाइनल मेरा, सुबह हो गई थी तब अच्छा वीडियो आ रहा था इसलिए मैं लेट करके आपको दिखा रही हूँ। वो छठी मैया का तो बर्तन ऑटोमेटिक दीप की वजह से चमक ही रहा था, वजरते हम लोग के फेस पे लाइट तो नहीं कम। देख लीजिए इसे अर्घ बोलते हैं देना, एक एक बर्तन को पानी में डालते हैं पहले, फिर उठा के सूर्य देवता को दिखा के अर्घ डालते हैं। सभी लोग जितने, और इसको चना और चना रहता है, ये चना छीट रही थी, जो यही पहला दाना होता है जिसको उठा के चना मूंग को फुलाया रहता है ओकड़ीदार, उसको छीटती है, जिसे उठा के पहला प्रसादी तौर पे हम लोग वही लेते हैं मुंह में। और वहीं पे मतलब छीटे जाते हैं, सभी चुनते हैं, छोटे छोटे दाने चुनते हैं उस मिट्टी से निकाल के और फिर लेके घर आते हैं। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। ये मैं अर्घ दे रही थी उस टाइम का फ़ोटो है, और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया। बहुत एक्सपीरियंस क्या, हर बार नया एक्सपीरियंस, हर बार नए तरीके के लोग मिलते हैं तो अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया, और बहुत मज़ा आया। फिर आप लोग बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये मेरी पूरी फैमिली रेडी होके देख लीजिए। बाय।